काफी गुस्से पर्सनालिटी, वो तो है दिखाई देता है कि गुस्से है, लेकिन उनका एक दूसरा साइड भी देखा था इमोशनल पर्सनालिटी, आप कैसे देखते हैं? और जब थप्पड़ उन्होंने मारा तो सलमान सर का एक डायलॉग निकल के आया है कि बाहर सीटियां बजी, बाहर सीटियां बजी, जब विलन मार खाता है खाता है खाता है सही बात है, ये बात एकदम सही है। अभिषेक बहुत इमोशनल बंदा है, एग्रेसिव है, बट उसके पीछे क्यों वो एग्रेसिव है वो कोई नहीं देखता। उसने मेरे साथ तो कभी मिसबिहेव नहीं किया, रिंकू जी के साथ कभी मिसबिहेव नहीं किया, क्यों नहीं किया भाई हमारे साथ मिसबिहेव? जिसकी वो फितरत होती है वो वैसा ही करेगा, लेकिन हम लोग के साथ तो उसने नहीं किया, कभी बड़े जोर से बात भी नहीं की, इतना रिस्पेक्ट दिया, प्यार दिया हमको। तो आप कोई बंदे को इतना लेवल तक लेके जाओगे तो आप क्या बोलोगे? क्या वो साधु है क्या? वो करेगा ऐसा ही रिएक्ट करेगा। ओके, ईशा को देख के क्या कहना चाहिए? ईशा के पापा सब फैमिली भी कहते हैं, तो ईशा हो या समरत हो, जिस तरह से वो बिहेवियर कर रहे थे, पोक करना, क्या ये सही है पॉप करना? नहीं नहीं सही, और के पास उनके पास और कुछ गेम ही नहीं है अभिषेक को छोड़ के, उनको सिर्फ अभिषेक को ही पॉप करना है, वही गेम है, तो वो दोनों वही करते आ रहे हैं। ओके, आपकी और रिंकू जी की काफ़ी अच्छी दोस्ती हमने देखी, दो सिस्टर जैसे रहे, क्या कहना चाहोगे रिश्तों के बारे में? मैंने रिंकू जी से तो बहुत अच्छी दोस्ती रही, हम लोग बाहर आके भी बहुत मस्ती कर रहे हैं, मिल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और शायद घर में मैंने बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते बनाए, जैसे रिंकू जी से, तहलका जी से भी मिली, तहलका की बर्थडे में भी बहुत मज़ा आया, उनकी वाइफ से मिली, फिर नील, ऐश्वर्या, मुनव्वर, अभिषेक, सबसे बहुत अच्छे रिश्ते बन के आए हैं। ऐश्वर्या के बारे में क्या कहना चाहिए? स्टार्टिंग में उनके गेम को लेकर कई सारे सवाल होते हैं, लेकिन अनफेयर इविक्शन उनका हुआ है, क्या कहना चाहोगे? मतलब अनफेयर इविक्शन हुआ है, नो डाउट अबाउट इट, बट ठीक है, गेम है, आज नहीं तो कल निकलना था, सो ठीक है, वो भी आगे बढ़ गई है। ओके, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि अंकिता की जो